अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। राजेंद्र नगर पुलिस हदूद चिंतलमेट सुलेमान नगर के गरीब अवाम को मिट्टी खोरों की जानिब से मुसलसिल हिरासा किया जा रहा है। ये मिट्टी खोर चंद रुपये देकर उनसे हजारों रुपये वसूल कर रहे हैं। बारहा पुलिस में शिकायत करने के बावजूद पुलिस किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से बचती है। ऐसा ही वाकया चिंतलमेट सुलेमान नगर के इलाके में देखने को मिल रहे हैं। जो चंद रुपये लेते हैं लेकिन ताउम्र तक उनको बनते रहना पड़ता है, नहीं बनने की सूरत में उनके साथ बदसलूकी की जाती है, यानी खुलेआम गुंडागर्दी और जुल्म कर रहे हैं ये मिट्टी खोर सूद खोर। क्राइम से बात करते हुए मुकामी लोगों ने ये तफसीलात बताई। जिम्मेदारों को चाहिए कि ऐसे सूदखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मोहम्मद अतीक के साथ क्राइम पीडियो न्यूज हैदराबाद। मैं बेगम बात कर रही हूँ। ऐसा मेरे घर में गुरुपा जमाई थी मैं, तो सही कंटिन्यू बन रहे थे हम लोग। मैं भी ली उसमें, मेरे मियाँ ऑटो चलाते और मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब थी, इसलिए कैसे मैं लोन लिए। तो इसके हम लोग 9,900 रुपये लिए थे, कंटिन्यू बने, अब 5 हफ्तों से नहीं बन रहे। और एक मेरे ग्रुप में की औरत कैसे सुसाइड कर ले रही थी, तो मैं कैसे वो रुक गया लोन रुक गया। तो अब इन लोग बहुत तंग कर रहे, ये ग्रुप वाले है, ये ग्रुप वाले बहुत तंग कर दे रहे हम लोगों को, फोना कर रहे, वसूल करके दो, वो करके दो, नहीं करके दे रही मैं, नहीं नहीं हो सकता मेरे से, पूरे लोग मेरे को आ रहे लड़ने बोले। तो ये नोटिस भी जाए लोग कल नोटिस भी जाए वकील के ज़रिए से, और वकील भी बहुत फोना करके तंग कर दे रहा, आके बात करो हमारे से कम तुम वसूल करके दे सकते ये वो बोल के मेरे को टॉर्चर कर। आप कितना, आप कितनी रकम लिए थे हमसे? 9,900 रुपए लिए थे। अब तक कितना पे करे आप? 30,000 तक प्ले कर दिए, आप फिर भी कैसे कंटिन्यू दे बोल रहा हूँ। कितना देव बोल के बता रहे आप नोटिस में? 8,800 रुपए बनना करते, यानी कि टोटल 9,000 आप रकम लिए, उसको 40,000 बन रहे हैं, बन रहे। हाँ, तो ये क्या है मालूम, ऐसा जासी कर रहा उन्हें, और ये कोई भी उनका नहीं लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कैसे हम लोग चलो बहुत मजबूरी है, औरतों की मजबूर है, लिए बन रहे थे। अब बनते बनते अब ऐसी हालत हो गए, औरतों के नहीं बन सक रहे, कुछ कर लेने जा रहे हैं ऐसा, तो अब वो नाम खराब हो जाता है। टोटल कितने मेंबर्स हैं आप लोग? जो 10 से 15 मेंबर हमारे पास है और दूसरों के पास भी है मेंबर्स। टोटल यानी कि कितने लोगों को दिए अब तक? 40-50 जनों को दिए अब तक, सब पूरे ग्रुप में। उसमें से हुशारगी से थोड़े खत्म कर दिए, कापियाँ ले लिए उनके। अब ये कैसा हम लोगों को जासी कर रहे, बनो सो बनो, और कल नोटिस भिजाए, ये नोटिस भिजा के हमारे को और धमका रहे, नए ला के दिए तो कैसे घरों पे से उठा लेते और कैसे गुंडों को भिजाते ये वो, ऐसा बात कर। क्या नाम है आपके फाइनेंसर जिससे आप पैसे लिए? खादर नाम है बच्चे का, उनके बाबा का नाम लतीफ है। तो यानी कि इन दोनों घर पे आके आप लोग टॉर्चर कर, घर पे आके टॉर्चर कर रहे हैं। आप लोग पुलिस में कंप्लेंट करे कुछ नहीं? अभी कुछ भी नहीं करे हम लोग, आप कैसे अब इतना जासी कर रहे तो हमको जाना पड़ता है इसको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग मजबूरी की हालत में हम लोग लोन लिए थे इनके पास से, घरों पे आके दे रहे तो 40 आदमी हैं हम लोग, 20 आदमी के कुछ ख़त्म हुए हैं, अब बाकी के 20 आदमी हैं हम लोग टोटल। तो घरों पे आके टॉर्चर करना, गंदे गंदे बातें बोलना, फोना करना, नहीं देती तू देख तेरा हाल क्या करता हूँ, तेरे को कैसा बताता हूँ देख, समझ रही क्या तू, क्या दादागिरी कर रही तू नए बनने के आज से, तू पैरों पड़ के ली ना के बहन के लड़ी वो ये बोल के फ़ोनों पर टॉर्चर करना, गालियाँ देना, कैमरे का फ़ोन खरीद, कैमरे में मैं देखता हूँ, व्हाट्सएप पे तेरे को भेजता हूँ अच्छे अच्छे फ़ोटो, हाँ तू मेरे को भेज सकती, हाँ मैं माफ़ कर देता हूँ, ऐसे ऐसे गंदे गंदे बातें बोलना, हाँ रातों में फ़ोन करते 2 बजे 12 बजे फ़ोना करते, कहीं को करे इतनी रात को नहीं बन रहे ना भैया बोल के बोले, तो भैया नक्को बोलो मेरे को, भैया नहीं बोलना तुम मेरे को, वो ये ऐसे गलत अल्फाज यूज़ कर रहे उन्होंने हमारे साथ। हम कितने की बार मोहम्मद भाई कन गए, मेरा नाम शबाना है, कितने की बार गई मैं इनके घर पर मोहम्मद भाई के सुनाने के लिए, और सुनाई भी इनको बस्ती के लीडर के हिसाब से बोल के इनको जाके सुनाई भी मैं, तो उन्होंने बोले अच्छी बात है, उन्होंने आए जब घर पे आए जब बोलेंगे बात करेंगे बोल के,
ईजी ले लिए नो भैया भी। अब हमको मौका मिला, हम जाके इनके पास बैठ गए तो आपको बुलाएं, हमारी मदद ये करो, ये इतने कापियाँ हैं, ये नोटिस हम भेज रहा, हम नहीं बन सकते या नहीं बोले तो हमारी मौत के जिम्मेदार सिर्फ गवर्नमेंट और पब्लिक के मदद नहीं कर सकते, बस्ती के लीडर आ रहेंगे हमारे, सुने ना, हमारे को मदद होना, इसलिए हम कानून का खटका आपका खटका मार रहे न्यूज़ वालों को, हमारे को मदद करो। ये ऐसे फाइनेंसर और कापियों पे दूसरों के नाम है, पेपरों पे दूसरों के नाम है, इन लोग मुसलमान हो के मुसलमानों को डरा के खा रहे पैसा, ये गलत है और हम लोगों को इंसाफ दिलाइए आप लोग सब मिल के। लेडीज है भाई, हम क्या करना, हमारे शोहर मजबूर रहने से हम लोग लिए नहीं, इससे दुगना हम लोग डबल डबल बन भी दिए, हम हमारे को फिर भी तकलीफा दे रहे, फोन नहीं गए तो फोन दिलाता हूँ मैं, व्हाट्सअपों पे भेजो, ऑनलाइन करो, वो करो, सब जने ऐसा बोल रहे, हाँ ये तरीका है क्या कर रहे, और घरों के पेपर भी रहना ऐसा डाल लेते ना पेपर, हाँ एक जनों का दो लाख का पेपर, एक जनों का 2 लाख पेपर रखा है, वो बिचारी तो अब मरूं जब मरूं बोल के है, इतना इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट, 1.5 लाख 20 हज़ार शुगर हो गया, टायरेट हो गया, औरत को दुनिया की परेशान है वो औरत, सुने ना, वो औरत को अब दवाखाने में इस वक्त तो ना हॉस्पिटल में है, उनका भी मैं वो कराती हूँ, उन्होंने भी कंप्लेंट देने वाले हैं, बहुत सारे औरतें कामों पे जाते हैं मजबूरन, इन लोग मेहनत करके हम लोग जी रहे बोल के हमारा फायदा उठा रहे, इन लोग बाबा बेटे दोनों मिलके बिजनेस चला के रहने वाले हैं, इन लोग हसन नगर के रहने वाले हैं, यहाँ पर कितने दिन से आते हैं, यहाँ 2 साल से इन लोग आ रहे जा रहे ले रहे, घरों के पेपर रखा लिए, और अभी वो पेपर रख के कुछ एक्नॉलेजमेंट देते हो न, हाँ वो इसके पेपर्स वो देते, वो दूसरों के अग्रीमेंट कराते, सब पेपर्स देते, एक जनों का ऑलरेडी केस चल रहा कोर्ट में, चांद बोलने वाले इनके लोगों को नंबर दिए, रात में फ़ोन करो बोले तो उन्होंने गुस्सा करके कैसा बोले मेरे घर वालों को फ़ोन करो बोल के उनको मारे करे, तो उन पर केस बुक करके केस वो कर दिया, कोई भी औरत को फ़ोन करा तो आदमी रहेगा तो आदमी बोलेंगा ही मारेंगा ना, तो ऐसे ऐसे हरकतें करते ना बाबा बेटे, बाबा एक टाइम पे करता बेटा एक टाइम पे करता फोन, क्या कर रहे कहाँ है ऐसा बोलते, हमारे पास फोन रिकॉर्डिंग करने का रहता तो बेशक हम रिकॉर्डिंग करके सुनाते थे, मगर हमारे रिकॉर्डिंग के फोन आनेंगे, हमारे खाली छोटे फोन आ रहने से फोन भी दिलाता हूँ बोले नो, तुम लोग रात में करते सो व्हाट्सअप पे भेजना करना, पढ़े लिखे नहीं है ना, मैं सिखाता हूँ बोल के भी बोला खादर। मोहम्मद बिन हमीद है, चिंतलमेट सलेमान नगर से मैं जो लीडर हूँ, और इसके अंदर जो सो क्या है बोलो तो लेडीज़ को जो फाइनेंस ग्रुप बिठा के लेडीज़ के घरों में बैठ के जो सो ग्रुप बना के जो सबसे पहले चंद ग्रुप में चल रहे थे उन लोग करे तो जो सो ना चले गए, अब जो सो लेडीज़ों को जो सो देखिए 10,000 के 30,000 रुपये जो सो एक्स्ट्रा पैसे 20,000 रुपये ले रहे, अरे 4 हफ्ते 5 हफ्ते के देना है तो उसमें से भी 2 हफ्तों के दे दिए, बोले 2-3 हफ्तों के देना है, उसमें जो सो 8,000 चिल्लर का जो सो 9,000 का जो सो 8,800 का जो सो एक नोटिस जो सो हर लेडीज़ के नाम पर भेज रही, ये पनाजरा जो सो हसन नगर में रहती है, ये लेडीज़ मेरे घर को 3-4 बार फिरे तो मैं बोला ठीक है टाइम नहीं है रमज़ान है ठीक है टाइम नहीं है देखेंगे बात करेंगे और नोटिस आया, कल रात में जो सो एक लेडीज़ सुसाइड करने की बचाए करे तो रात में रहने के बाद मैं मीडिया वालों को बुलाया हूँ और पुलिस स्टेशन को इंशाल्लाह पुलिस स्टेशन को भी जाके कंप्लेंट दूंगा, एसआई साहब को बोल के कंप्लेंट दूंगा। अब ये जो सो फाइनेंसर आ किसी के घरों के पेपर रख ले के 1 लाख रुपये दे के 10,000-20,000 रुपये वो कर रहे, करने के बाद में जो कर रहे वो चीज़ जो सो ऐसा हो रहा है कि हर किसी के घरों के पेपर वहीं रखे हुए घर के पेपर रखे हुए, इंशाल्लाह मैं ये हो रहा हूँ कि हर फाइनेंसरों को दूर कर दिए, ये भी जो सो दूर करना, इसके लिए जो सो पूरे ये हुकूमत से और पुलिस स्टेशन से कोई गवर्नमेंट महकमे से ये है कि फाइनेंसरों को जल्द से जल्द जो पूरा साफ करे तो अच्छा रहता, सफाया करे तो बहुत अच्छा रहता, ये मेरी अपील है, ये मेरी गुजारिश है। लेडीज़ बहुत परेशान हो रही, चंद पैसे से हम जो दवाखाने हॉस्पिटल या घर की कोई परेशानी में ले लेते 5-10 हज़ार रुपये ले लेते, इन लोग जो सो उसके डबल ट्रिपल कर लेते, लेडीज़ को नहीं मालूम रहता कि वहाँ लेडीज़ को जो सो भड़काए में डाल के कर देते, क्यों जो सो किसी की इज्जत लूट लेते, किसी घर को बुला के इज्जत ले लेते, घरों पर जाके कर लेते, इसमें जो सो औरतें जो सो बाहर निकल जा रहे, इसके लिए जो सो मैं ये बोल रहा हूँ इस चीज़ को रोको, ये जो सो ये होता इसलिए इनके साथ जाए और नाम उठाने का
भाई चांदी गांधी बैठे सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जारा शेख।